गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में स्क्वायर निकालने का नॉन डिवीजन मेथड बताऊंगा। आप समझे, हाँ। क्वेश्चन एक दिया हुआ है, क्वेश्चन वन, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 784 बाय द लॉन्ग डिवीजन मेथड। किस मेथड से इसको निकालना है? लॉन्ग डिवीजन मेथड, क्योंकि इसके पहले वीडियो में हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड सीख चुके हैं और अन्य मेथड भी सीखे हैं, लेकिन ये आपका बनाना है लॉन्ग डिवीजन मेथड से बनाना है। तो इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, जो नंबर गिवन नंबर होता है उसको हम पेयर में अरेंज कर लेते हैं। इसमें अरेंज करते हैं पेयर में, जो इधर से लेते हैं राइट साइड से हम लेफ्ट साइड की ओर हम पेयर लेते हुए चलते हैं। ऐसी स्थिति में सिंगल भी कोई डिजिट रह सकता है या डबल भी रह सकता है, दो ये कंडीशन है। इधर से हम पेयर बैठाते हुए चलेंगे तो निश्चित रूप से या तो पेयर रूप में इंड होगा या एक सिंगल जो है से डिजिट पर इंड होगा। यस, सिंगल डिजिट पर ही इंड हो गया। ये करने के बाद अब इस तरह से आप लाइन खींच रहे हैं, कितना पहले लाइन भी खींचते हैं, पहले लाइन भी आप खींच सकते हैं और इस तरह से भी खींच सकते हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, एक ऐसा यहाँ डिजिट लेंगे जिसके मल्टीप्लाई करने के बाद 7 या इससे स्मॉलर ही होना चाहिए। 7 से कितना हो जाए, कम ही संख्या आना चाहिए, ज्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे यहां हम ले सकते हैं 2 में 2 मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा। यदि 3 या 3 हम लेते हैं तो 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आ जाएगा, इससे ज्यादा आ जाएगा, ज्यादा नहीं आना चाहिए। जब भी होना चाहिए तो यहाँ जो डिजिट रहेगा इससे स्मॉलर ही आपका अंक आना चाहिए मल्टीप्लाई करने के बाद, ये ध्यान देना है। ये सब्ट्रैक्ट करेंगे यहाँ, ये 2 यहाँ हम ले लेंगे, ठीक। इसके बाद जब भी यहाँ हम ये तो जैसे आएगा सब्ट्रैक्ट करने के बाद, ठीक है। अब यहाँ से जब भी उतारेंगे एक पेयर उतारेंगे, एक जोड़ा उतारेंगे, ये यहाँ हम ऐड करेंगे, इस तरफ जो सबसे लेफ्ट साइड है उसको हम ऐड करेंगे। ऐसे जगह लिखेंगे कि यहाँ थोड़ा एक डिजिट लिखने के लिए जगह बचा हुआ होना चाहिए। अब ध्यान देंगे यहाँ पर कौन सा हम डिजिट लेंगे जो मल्टीप्लाई करने के बाद 384 से स्मॉलर ही आना चाहिए, इससे अधिक नहीं होना चाहिए। कौन सा नंबर है आपको थिंकिंग करना है, सोचना है कौन सा लेंगे, 6 लेंगे, 7 लेंगे, 8 लेंगे, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ऐसे नंबर चूज करने के लिए आप इस तरह से लिख करके यहाँ लेंगे और ये जो डिजिट लेंगे ये मल्टीप्लाई करने के बाद थोड़ा सा देख लेंगे, 8 मल्टीप्लाई करेंगे 64 आएगा, 64। तो यहाँ 4 जो है इससे मिल रहा है, इसका मतलब कि निश्चित रूप से 8 यहाँ डिजिट लेने के बाद एक पूर्णता जो है से एक डिविजिबल हो जाएगा, कट जाएगा। देख लीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए 6 32 में 6, इस तरह से आपका सब्ट्रैक्ट करने के बाद पूरा का पूरा कैंसिल हो जाता है, जीरो हो जाता है। अब ये 8 है, ये क्या हो गया, ये यार स्क्वायर रूट ऑफ इतना, स्क्वायर रूट ऑफ 784 इक्वल कितना आया, यही आपका आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। लॉन्ग डिवीजन मेथड द्वारा इसी मेथड से हम आगे भी बना सकते हैं। अगला जो है एक और एग्जाम्पल लेते हैं, आगे कुछ और नंबर बढ़ाते हैं। ये नंबर है आपका 2, इवैल्यूएट। क्वेश्चन पूछने का ढंग केवल चेंज करते आपको जाएगा,
बनाने का मेथड आपको सेम होगा 5329 यूजिंग, क्या यूज करना है कौन मेथड का? लॉन्ग डिवीजन मेथड, लॉन्ग डिवीजन मेथड, लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज करते हुए आपको बनाना है। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, पेयर के रूप में इसको अरेंज कर लेंगे। सॉल्यूशन अरेंज कीजिए 5329, इधर से 29 एक पेयर, 53 दूसरा पेयर, इसके बाद तो अंक नहीं है। अब हम इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। अब ध्यान दीजिए कौन सा यहाँ हम डिजिट लेंगे जिसका इटसेल्फ यानी उसी से मल्टीप्लाई करने के बाद 53 या इससे हमको कम ही आना चाहिए, ज़्यादा नहीं बढ़ना है, कितना लेंगे? तो निश्चित से आप कहेंगे कि 7 या 7 लेंगे। 49 8 लेंगे तो 8 लेंगे तो आपका 64 हो जाएगा, इससे ज़्यादा हो जा रहा है इसलिए उससे कम वाला लेंगे, ज़्यादा भी कम नहीं लेना है इसे। जैसे आपको 6 लेंगे तो आपको 36 से नहीं रहेगा, घटाने के बाद आपको इससे ज़्यादा जो है आ जाएगा। तो ऐसा भी सोचना है कि ऐसे यहाँ डिजिट लेंगे जिससे अधिक यदि डिजिट लेते हैं तो इससे आपका ज़्यादा बढ़ जाता है, तो उससे कम ही एक कम डिजिट हम लेंगे। 8 लेंगे तो 64 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा इसलिए हम 7 यहाँ लेंगे। 49 हो गया, यहाँ लेंगे 7, ये डिजिट जितना लेते हैं वहाँ लिखते हैं, यहाँ हम ऐड करते हैं, यहाँ सबट्रैक्ट करते हैं। ध्यान देना है कि यहाँ ऐड करेंगे 14 आएगा, यहाँ सबट्रैक्ट कीजिए 4 और 8, ये जब भी पेयर करेंगे यहाँ 429 आ गया और यहाँ पर 114 है। अब यहाँ पर कौन सा हम डिजिट लेंगे ये जो है पूर्णतः डिविजिबल हो जाएगा, पूर्णतः कट जाएगा। तो देखिए कितना लेंगे, 14 है। अब ये सोचना रहता है कि यहाँ डिजिट वैसा ही लेंगे जो यहाँ 9 हमको आया, तो 2 4 9 आएगा नहीं, 3 जो है से आएगा, 3 × 3 9 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ लगा कर 9 × 3 × 2 1 4 यहाँ रहता है आपको मल्टीप्लाई करने के बाद, ये मल्टीप्लाई करने 429, इसका मतलब निश्चित रूप से यहाँ पर कौन सा डिजिट लेंगे, 3 डिजिट हम लेंगे। तो 3 लेंगे तो कितना हो जाएगा, 429। सबट्रैक्ट करेंगे, यहाँ इसको ऐड कर देंगे और यहाँ सबट्रैक्ट करने के बाद पूरा कैंसिल हो जाएगा। ये कहाँ लिखेंगे 3, तो 73 आपका ये इसका स्क्वायर यार। रिक्वायर्ड नंबर ऑफ रूट 5329 इक्वल एरिया का स्क्वायर रूट ऑफ इसका 73। इस तरह से लॉन्ग डिवीजन मेथड आप बड़ा से बड़ा भी अंक दिया रहेगा तो उसको आप आसानी से निकाल सकते हैं। खाली केवल ध्यान देना है कि यहाँ हमको दिए गए डिजिट को इस पेयर में इसको अरेंज करना होता है। ये तरह से और है, एक और बड़ा डिजिट लेकर के सीखिए, यह
evaluate under root 6 6 0 4 9 division method से ही निकालना है इसको। तो इस तरह से pair में इसको हम सजाएंगे। रेंज करेंगे इसको पेयर, ये आपका सिंगल आ जाता है। अब सिंगल में पहले लगाएंगे, टू टाइम्स लगेगा, फोर टू सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा टू, यहाँ ऐड करेंगे कितना आएगा फोर, वन पेयर यहाँ उतारेंगे 60, अब यहाँ कितना ले गया 5 5 2 225 225, इसे कम होता है 5 से 6 यदि हम लगा के देखते हैं। इससे बढ़ जा रहा है, इसलिए हमको यही जो है 5 से लगाना उचित होगा। इस तरह से कंफर्म हो लेते हैं कि किससे हमको सही सही भाग लेना है, अंक डिजिट यहाँ कितना लेंगे वो देख लेना है। 5 5 25 हो गया, 2 5 4 times 20 और इसका कैरी रह गया है 2 20 225। इस तरह से यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ ऐड करेंगे 5 5 10 50, यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे 10 हो गया 10 5 5, 3 5 हो गया 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे 3 तो 35 आ गया। फिर पेयर एक उतारेंगे 49, ये पेयर उतारे, ये यहाँ 5 टाइम्स लगे 5 यहाँ ले गया। अब यहाँ हम कौन सा अंक लेंगे कि हमको ये डिविजिबल होगा, ये ध्यान देना है। तो 3 भी ले सकते थे, 3 3 जो है 9 आएगा, लेकिन 3 बहुत स्मॉलेस्ट आएगा और इससे आगे जो है लगाना होगा 4 नहीं होगा, 5 नहीं होगा, 6 भी नहीं होगा, 7 हो सकता है, 7 मल्टीप्लाई 7 9 आ सकता है, 7 मल्टीप्लाई 7 जो 49 होगा, जो 9 आपका जरूरत है तो 7 आपका आ जाएगा। 7 से मल्टीप्लाई कीजिए, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 49 होगा 35। ऐड इसको कीजिएगा, ये सब्ट्रैक्ट कीजिएगा, ये तो पूरा जो है आपका कैंसिल हो गया, ये 7 है। इसका रिक्वायर्ड नंबर क्या हो गया, इसलिए रिक्वायर्ड नंबर ऑफ रूट 6 6 0 4 9 1 250 आंसर हो गया। इस तरह से लॉन्ग डिवीजन मेथड से आप बनाएंगे क्वेश्चन, एक KHW में आप बना सकते हैं। बनाने के लिए आपको घर पर अभ्यास करने के लिए एक्सरसाइज 3E का 1 to 12 KHW नोट कर लेंगे। एक्सरसाइज 3E क्वेश्चन 1 to 12 ये आप इस मेथड से आप बनाएंगे। फर्स्ट थैंक यू।